हाय गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल बिल्डिंग गुड गाइस। सो आज का हॉल होने वाला है बहुत ही स्पेशल। आज मैं आपको दिखाऊंगी मिंत्रा से कुर्तास जो अंडर 500 रुपीस की है। कॉटन मटेरियल है, डेली वेयर है, बहुत कंफर्टेबल है और ऑफिस वेयर कॉलेज वेयर के लिए परफेक्ट है, प्लस स्टाइलिश भी बहुत ज्यादा है। एंड कुर्ताज पे टू लुक्स ट्राई करे हैं, लाइक एक होती है जिनको यू नो कुर्ताज जीन्स के साथ पसंद आता है और बहुत लोगों को कुर्ताज प्लाजो के साथ पसंद आता है। कुछ कुर्ताज में बहुत ही कम ज्वेलरीज डालते हैं एंड कुछ होते हैं मेरी तरह जो बहुत ज्यादा ज्वेलरी पहनना पसंद करते हैं। मेरे घर पे ही मेरे सिस्टर है तो बहुत ही छोटे छोटे से स्टर्ट पहनती है, उसको बिल्कुल भी ज्वेलरीज पहनना उतना पसंद नहीं, बहुत ही सिंपल लुक रखती है। एंड मैं जस्ट अपोजिट हूँ, मुझे उतना ही ज्यादा ज्वेलरीज पसंद है, एक्सेसरीज डालना पसंद है। तो हर घर में ये चीज होती है और आई थिंक कि हर कोई की अपनी अपनी पर्सनालिटी होती है उसे वेयर करने की, उसे स्टाइल करने की। इसलिए मैंने दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए आज का हॉल बनाया है। जितने भी आइटम्स कुर्तीज है वो अंडर 500 रुपीज की है, बट ये मैं क्लियर कर दूं कि मिंत्रा की जो प्राइस होती है वो ऐसे 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 होती है। लाइक जब मैंने लिया था तो मुझे 70% ऑफ में मिला था, सेकेंड डे जब मैं प्राइस देख रही हूँ तो वो 60% ऑफ में चला गया है, थर्ड डे में देख रही हूँ तो 65% चला गया है। तो इस तरीके से उसकी प्राइसेस जो होती है वो अप एंड डाउन होती है, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। बट सप्ते में 3 दिन मैंने देखा है कि उसका प्राइस 70% गया है, उसी टाइम मैंने लिया है। तो अगर इसका प्राइस 65% ऑफ में आपको मिलता है, लाइक 540 से अबव, लाइक 500 से अबव मिलता है, 540 तक इसकी प्राइस जाती है, तो मैं बोलूंगी उसे विशलिस्ट में रखिए, क्योंकि जो मैं प्राइस आपको बताऊंगी उस प्राइस में 100% मिलती है। माइट भी 75% ऑफ भी जाता होगा, 80% भी जाता होगा सेल के टाइम पे। तो अगर आप बाद में लेना चाहते हैं तो भी ले सकते हैं, विशलिस्ट में रखिए। बट जो मैंने प्राइस में लिया है मैं स्क्रीनशॉट आपको साथ ही साथ लगा दूंगी। आज के हॉल में मैंने बहुत मेहनत की है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज उसके लिए आप मेक श्योर करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना एंड कमेंट बताना कि कौन सी लुक आपको अच्छी लगी, कमेंट जरूर से करना। एंड नाउ वी टॉक अबाउट इट, लेट्स गेट स्टार्टेड। माई फर्स्ट कुर्ता है दिस वेरी ब्यूटीफुल पिंक बीज एंड मरून कलर का फ्रॉक कुर्ता है गाइस। फ्रंट पे बटन बने हुए हैं, विस्कोस रेयन इसका मटेरियल है, प्रिंट बहुत ही खूबसूरत है एंड बहुत कंफर्टेबल है। इसको मैंने स्टाइल करा है ये बीज कलर का हेरम पैंट के साथ जो मैंने शीन से ली है, और यहाँ पे मैंने पतला सा चोकर डाला है, फिंगर रिंग डाली है और बहुत ही ब्यूटीफुल कंफर्टेबल कुर्ता है। तो सारे लिंक्स और डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो हाफ पोनी करा है मैंने क्योंकि खुले बाल इस पे उतने अच्छे नहीं लग रहे थे जो लुक मैं क्रिएट करना चाहती हूँ। और मैंने इसके साथ फ्लैट्स नहीं पहने हैं, ये हील्स पहनी है जो मिंत्रा से है एंड ये बैग भी मिंत्रा से है। लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बहुत कंफर्टेबल कुर्ती सेट है एंड जो लुक रेडी हुआ है गाइज वो कुछ इस तरीके से है। लॉन्ग कुर्ती में इस तरीके के नीचे को इलास्टिक वाले पैंट्स अभी फैशन में भी है और बहुत प्यारी लगती है। सो मुझे ये लुक बहुत ज़्यादा पसंद आई, बहुत कंफर्टेबल है, गर्मियों के लिए परफेक्ट है, बिल्कुल भी यू नो अनकंफर्ट वाला लुक नहीं है। सो आपको कैसे लगी आप कमेंट में बताएं। आप चाहे तो इस पे जीन्स पे स्टाइल कर सकते हैं, वो भी मैं आगे दिखाऊंगी। सो कुछ इस तरीके से मैंने सेम कुर्ता पे जीन्स डाला है, इस पे वो हेयर स्टाइल अच्छी नहीं लग रही थी, मैंने हेयर ओपन रखा है एंड मैंने बहुत ही कंफर्टेबल शूज़ डाले हैं। अगर इसकी लिंक मिलती है शूज़ की तो मैं वो आपको प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप दोनों तरीक़ों से स्टाइल कर सकते हो। एंड आप चाहो तो इस पे एक नॉर्मल प्लाजो भी डाल सकते हो, पिंक वाइट ब्लैक किसी भी कलर की, तो वो एक बहुत ही कैजुअल लुक हो जाएगी। तो दोनों तरीके से मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है कुर्ता, आप देख सकते हो बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत कंफर्टेबल है एंड गर्मियों के लिए परफेक्ट है। मैंने इसे लिया था 400 समथिंग में, बट आज का प्राइस इसका 300 समथिंग है गाइस, तो बहुत अच्छी प्राइस आज चल रही है। कैसी लगी कमेंट में जरूर से बताना। नेक्स्ट कुर्ता जिस वेरी ब्यूटीफुल येलो कलर का कुर्ता है गाइज, ये कॉटन मटेरियल है एंड इस पर मैंने हाफ पोनी करा है, चोकर डाला है एंड ये ग्रीन बैग लिया है जो बहुत अच्छे से कुर्ते के साथ जा रहा है। कुर्ते पे आप देखोगे तो ब्लैक एंड येलो की प्रिंट्स बनी हुई है जो ख़राब नहीं होगी, बहुत अच्छी क्वालिटी की, हाईली रिकमेंड कुर्ता करूँगी। मैंने इसके साथ स्टाइल करा है मैंने ये प्लाजो जो मैंने सरोजनी से 200 रुपीज़ की ली थी। प्लाजो थोड़ी सी लॉन्ग है इसलिए मैंने इस पर 1 इंचज़ के हील्स पहने हैं जो मिंत्रा से है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बैग भी मिंत्रा से है और फुल आप चाहो तो ओपन हेयर भी इस पे रख सकते हो, बट गर्मियों की वजह से थोड़ा कंफर्टेबल भी हो जाए, स्टाइलिश भी हो जाए, इसलिए मैंने ये लुक इस पे क्रिएट किया। एंड मेरा सेकंड लुक है उसमें मैंने वाइट ईयरिंग्स डाले हैं एंड ये डुअल कलर का बैग लिया है, क्योंकि कुर्ते पे आप नोटिस करोगे तो ब्लैक एंड आपको वाइट कॉम्बिनेशन मिल रहा है, इस पे मैंने वाइट पम्प्स डाले हैं।
तो इस तरीके से ये लुक क्रिएट हुई है जो बहुत अच्छे से कॉम्बाइन कर रही है। मुझे ये लुक बहुत ज़्यादा पसंद आई, थोड़ी क्लासी भी है, थोड़ी स्टाइलिश भी है, वो बहुत कंफर्टेबल है। ये थोड़ा सा थोड़ा सा क्लासी काइंड ऑफ लुक है, तो इस तरीके से आप स्टाइल कर सकते हो, ओपन हेयर भी रख सकते हैं। मुझे ये वाली लुक बहुत ज़्यादा पसंद आई। कुर्ता में मेरा साइज़ मीडियम है, बहुत कंफर्टेबल है। आप चाहो तो ब्लैक हील्स भी डाल सकते हो, ब्लैक के साथ भी इस पर कॉम्बाइन कर सकते हो, बट मैंने इसका कलर वाइट कुर्ते की वजह से वाइट रखा है। तो कैसी लगी लुक आप मुझे कमेंट में ज़रूर से बताएं। सो नेक्स्ट जो कुर्ता है ये ब्लैक कलर का फ्रॉक कुर्ता है गाइस, एंड कॉटन मटेरियल है, बहुत कंफर्टेबल है। मुझे ये भी बहुत ज़्यादा पसंद आई। सो इस पे प्रिंट बना हुआ है कुर्ते पे येलो एंड ग्रीन का। सो यहाँ पे मैं ये इयरिंग्स पहन रही हूँ, थोड़ा बोहो लुक मैं इस पे दे रही हूँ। मिंत्रा से इयरिंग्स है और इयरिंग्स को मैच करने के लिए मैंने ब्रेसलेट मल्टी कलर की डाली है, सूज डाली है यहाँ पे, और मैं ये ग्रीन बैग सेम जो येलो पे लिया था वही ग्रीन बैग ले रही हूँ, और जीन्स के साथ मैंने स्टाइल करा है। सो ये बहुत ही कम्फी डेली वेयर कैजुअल लुक है। आप इयरिंग्स चाहो तो स्मॉल भी पहन सकते हो, मैंने यहाँ पे बड़ा लॉन्ग इयरिंग्स पहने हैं क्योंकि मुझे पसंद है। ऑब्वियसली आप इसे थोड़ा चेंज कर सकते हो। सो ये लुक मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई, एंड बहुत अच्छे से कलर कॉम्बाइन ये हो रहा है। ग्रीन प्रिंट के साथ ग्रीन बैग जा रही है, ब्लैक शूज जा रही है, जीन्स डाला है, इयरिंग्स के साथ ब्रेसलेट मैच हो जा रही है। तो मेक श्योर कीजिए आप जब भी आप कुछ भी ऐसा स्टाइल करते हैं ना, तो बैग के साथ शूज मैच कर लीजिए या इयरिंग्स के साथ शूज मैच कर लीजिए, कोई भी एक कलर को आप मैच करोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। सो यहाँ पे मैंने कुर्ती को बैग के साथ मैच करा है, इयरिंग को ब्रेसलेट के साथ मैच करा है। सो सेकेंड लुक में मैंने पोनी कर लिया है, सेम इयरिंग्स मैंने रखे हैं, बेल्ट लगा रही हूँ मैं यहाँ पे सेकेंड लुक पे, लास्ट पे मैंने बेल्ट नहीं लगाया था। सो ये मेरा फेवरेट बेल्ट है शीन से, तो बेल्ट लगाने का यहाँ पे रीज़न ये गाइस, ब्रॉड बेल्ट लगाने का, कि जो आप प्लीट्स आप देख रहे हो ना वो काफ़ी ऊपर से, तो अगर मैं कोई भी थिन बेल्ट लगाती तो वो अप एंड डाउन वो कम्फर्ट नहीं होती बेल्ट वहाँ पे वेस्ट लाइन पे, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रॉड बेल्ट लगाया है। और इसको मैंने पेयर करा है ऑरेंज प्लाजो के साथ जो प्लाजो शीन से है, एंड ये मेरा फेवरेट ही फुटवेयर मैंने यहाँ पे पहना है। ये तो सरोजनी से फुटवेयर मैंने लिया है, बट इसका सिमिलर लिंक मैं आपको दे दूंगी, मिंत्रा पे भी अवेलेबल है, थोड़ा सा डिफरेंट। तो ब्रेसलेट मैंने सेम रखा है और इयरिंग को सेम रखा है, बस प्लाजो चेंज किया है, बेल्ट चेंज किया है एंड हील्स चेंज किया है। तो आप चाहो तो विदाउट बेल्ट भी सेम प्लाजो के साथ भी वेयर कर सकते हो, एंड कोई भी ब्लैक हील्स अपने पसंद के डाल सकते हो। तो मुझे ये लुक भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। है वो ग्रीन कलर का मल्टी कलर कुर्ता है गाइस, एंड इस पे मैंने बहुत ही सिंपल लुक रखा है, पोनी करा है, एक्सेसरीज बहुत सिंपल, हुप इयररिंग डाले हैं, न्यूड हील्स के साथ मैंने न्यूड बैग को मैच करा है, क्योंकि कुर्ती पे आपको जो प्रिंट्स मिल रही है ना वो पिंक कलर की मिल रही है और ऐसे ही न्यूड कलर मिल रही है, लाइक ब्राउन काइंड ऑफ कलर मिल रही है। फ्रंट पे बटन्स बने हुए हैं, कुछ इस तरीके से इसके डिज़ाइन है, बहुत कंफर्टेबल मटेरियल है, गर्मियों के लिए परफेक्ट है, एंड मुझे ये कुर्ता सेट भी बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो सेम इस पे प्लाजो मैंने रखा है जो अभी लास्ट में मैंने पहना था ऑरेंज कलर, मैंने इस पे पिंक या ब्राउन नहीं डाला क्योंकि पिंक मेरे पास कुछ भी नहीं था, और आप चाहो तो ब्लैक भी डाल सकते हो। तो सेकंड लुक के लिए मैंने यहाँ पे इयरिंग्स चेंज करे हैं, रेड इयरिंग्स डाला है और बेल्ट डाल रही हूँ मैं, बकल बेल्ट है ये, और ये शीन से है, एंड यहाँ पे मैं स्लीपर डाल रही हूँ। सेम बैग मैंने रखा है न्यूड कलर की, बट इसको मैंने स्टाइल करा है स्कर्ट के साथ, लाइक मैं यहाँ पे ग्रीन के साथ रेड कॉम्बिनेशन दे रही हूँ। आप चाहो तो पिंक भी दे सकते हो, येलो भी दे सकते हो, बट रेड स्कर्ट मेरे पास अवेलेबल थी एंड ग्रीन के साथ रेड बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, इसलिए मैंने यहाँ पे रेड रखा है। तो ये भी बहुत कैजुअल गो टू लुक है, लाइक शॉपिंग पे जाओ या डे आउट पे जाओ तो बहुत प्यारी लगेगी। आप ऑब्वियसली ब्लैक बैग भी चेंज कर सकते हो, राइट नाउ मेरे पास ऐसा कोई बैग नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे न्यूड मैच करा है प्रिंट्स के साथ। तो ये लुक भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। नेक्स्ट जो कुर्ता है ये वाइट कलर की, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल कॉटन मटेरियल का, एकदम पूरा परफेक्ट गर्मियों वाला कुर्ता है गाइस, एंड इस पर भी मेरा साइज़ मीडियम है, सारे कुर्ते पे मेरा साइज़ मीडियम है। सो इसको मैंने स्टाइल करा है, कुर्ते पे ब्लू एंड येलो का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, तो मैंने यहाँ पे ब्लू झुमकी डाली है, हाफ पोनी करा है क्योंकि फुल मतलब खुले बाल इस पर अच्छे नहीं लग रहे थे, तो आप थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना हेयर्स के साथ, देखना कि कौन सी आप पे सूट कर रही है। सो यहाँ पे मैंने येलो हील्स डाले हैं जो शीन से है, एंड बहुत ही सिंपल ब्लैक पैंट रखा है जो H&M से है, तो ये ऑफलाइन लिया है, इसका लिंक नहीं दे पाऊंगी, बैग मिंत्रा से है। तो कुछ इस तरीके से मैंने ये लुक क्रिएट किया है जो बहुत ही समर वाइब्स दे रही है, एकदम आप दिन में पहनकर निकल जाओ कहीं पे भी, बहुत प्यारी लगेगी ये लुक, और मुझे ये वाली लुक फ्रेंकली बहुत ज़्यादा पसंद आई। सो इसकी जो प्रिंट है बहुत ही ब्यूटीफुल है, बिग बॉस की आइज़ बनी हुई है ऐसा आपको लगेगा, एंड जो कलर कॉम्बिनेशन है गाइज वो भी बहुत परफेक्ट है, इसलिए मैंने इसको ही आप चाहो तो येलो
रिप्लेस कर सकते हो हील्स, आप ब्लू भी वेयर कर सकते हो, वाइट भी डाल सकते हो, कोई भी मोजरी जूती भी डाल सकते हो, बट मैंने थोड़े से यू नो इसको स्टाइल देने के लिए ये वाले फुटवेयर डाले हैं। जो सेकंड लुक है गाइज, वहाँ पे मैंने ओपन हेयर कर दिए हैं, हुप्स ईयरिंग डाले हैं एंड ये हेयर बैंड डाला है जो शेन से है। सो यही सेम बकल बेल्ट में लगा रही हूँ शेन के, और सेम मैंने ब्लैक मैचिंग इस पे शूज पहने हैं। बेल्ट को मैं शूज से यहाँ पे मैच कर रही हूँ, और थोड़ा कलर ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे हेयर बैंड येलो कलर की लगा रही हूँ। सो इस तरीके से आप कलर के साथ थोड़ा सा प्ले कर सकते हो, जो बहुत ब्यूटीफुल लगेगी। ये लुक बहुत ही ज़्यादा समरिश है, बहुत परफेक्ट है, बहुत कॉलेज वाइब्स दे रही है। एंड इस पे मैंने सेम जो पहले आपको ग्रीन बैग दिखाया था वो ग्रीन बैग लिया, आप ब्लैक बैग भी ले सकते हो, बट ग्रीन बहुत अच्छे से मैच कर रही है यहाँ पे आप प्रिंट्स के साथ, इसलिए मैंने ये लिया। तो ये लुक भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सो वहाँ पर आप एक बार चेक करें। ओके, सो नेक्स्ट एंड लास्ट कुर्ती इज़ वेरी ब्यूटीफुल, एकदम पिंक कलर की कुर्ती है गाइज, जो कॉटन मटेरियल है, बहुत कंफर्टेबल है, और एकदम मैंने पहनने पे लूज काइंड ऑफ फिटिंग दे रही है। एंड इस पे प्रिंट बना हुआ है ब्राउन काइंड ऑफ, जो बहुत ही हल्की सी प्रिंट है। सो इसको मैंने स्टाइल करा है जीन्स के साथ जो मैंने मिंत्रा से ली है। सो ये स्ट्रेट फिट वाली जीन्स है ब्लैक कलर में, आप चाहो तो ब्लू पे भी स्टाइल कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने ये नेकलेस पीस डाला है जो जनपद से है, लिंक इसका नहीं दे पाऊँगी। सो ये कुर्ती बहुत ज़्यादा ऑफिस वाइब्स दे रही है। एंड सेम न्यूड हील्स मैंने डाले हैं, न्यूड बैग डाला है, आप प्ले कर सकते हो हील्स पे और बैग के साथ, दोनों मैचिंग कर सकते हो। यहाँ पे राइट नाउ मेरे पास कुछ वैसा मैचिंग ब्लैक में नहीं था, इसलिए मैंने इस पे न्यूड डाल दिया। न्यूड भी बहुत प्यारी लग रही है। सो ये लुक भी बहुत कंफर्टेबल है, बहुत स्टाइलिश है और बहुत ही सिंपल है गाइस। तो इसमें फिटिंग जीन्स भी आप वेयर कर सकते हो। सो सेकंड लुक के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा कलर ब्लॉकिंग कर रही हूँ, लाइक कलर के साथ प्ले कर रही हूँ। सो ये ब्लू पैंट में डाल रही हूँ जो शीन से है, एंड सेम ईयरिंग्स ब्लू एंड पिंक के मैं डाल रही हूँ जो पैंट को मैच कर रही है। बहुत सारे बैंगल्स डाले हैं, थोड़ा सा बोहो काइंड ऑफ लुक दे रही हूँ। एंड यहाँ पे मैंने ब्लैक हील्स डाले हैं, साथ में ब्लैक बैग लिया है। ये बैग बहुत अच्छे से लुक के साथ नहीं जा रही है, बट करेंटली मेरे पास बड़े में कुछ ब्लैक बैग नहीं है, इसलिए मैंने ये स्मॉल बैग लिया। आप चाहो तो कोई भी बोहो बड़ी सी बैग ले सकते हो, जो बहुत ही बोहेमियन लुक लगेगी, बहुत प्यारी लगेगी। शूज़ आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, वो भी बहुत प्यारी लगेगी। सो कैसी लगी आपको ये वीडियो और ये लुक, आप मुझे कमेंट में ज़रूर से बताएं। एंड अगेन, आप इसमें न्यूड हील्स और न्यूड बैग भी रख सकते हो, तो थोड़ा सा कलर के साथ आप प्ले कर सकते हो। ओके गाइज, आई होप आज का लुक बुक हॉल, अफोर्डेबल हॉल आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ गाइज सपोर्ट करो सब्सक्राइब करके, और कमेंट में बताना कि कौन सी लुक आपको अच्छी लगी, कमेंट ज़रूर से करना। एंड मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो पे।